के साथ लड़ाई होने के बाद प्रियंका ने अर्चना को एक एडवाइस दी है, जिस एडवाइस के बारे में जान के आप लोगों को भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये होती है समझदारी की बात। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अर्चना के बारे में हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं कि आखिरकार टीना और निमृत की लड़ाई अर्चना के साथ क्यों हुई है। अगर जानना चाहते तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो जरूर देख सकते हैं, जिसके बाद जो है अर्चना काफी ज्यादा भड़क जाती है। और अर्चना इतनी ज्यादा भड़कती है टीना और निमृत के ऊपर कि आखिरकार वो थक हार के अर्चना की बात सुनकर जो है टीना अपने रूम से बास्केट निकाल के स्टोर रूम में रखी देती है। ये चीजें जो है वहां पर प्रियंका देख रही होती है और प्रियंका देखते देखते सीधा कैप्टन रूम में आती है, जहां पर अर्चना लेटी होती है बेड पे। और वहां पर जो है अर्चना काफी से गुस्से में होती है और अर्चना बोलती है भाई इन बेवकूफ लोगों को मैं समझा समझा के थक गई हूं, पता नहीं दिमाग में कितना बड़ा गोबर लेके आते हैं ये लोग। और वहां पर अर्चना की बातें सुनकर प्रियंका हंसी रही होती है और अब अर्चना जो है सब बातें बताती है कि आखिरकार बात कहां से शुरू हुई और कहां पर खत्म हुई। और फिर वहां पर प्रियंका जो है उनको बताती है कि टीना ने जो है बास्केट रख दी है। इसी बीच में अर्चना प्रियंका बोलती है कि तेरे साथ ये लोग लड़ाई कर रहे थे तो तुझे ये बात बोलनी चाहिए थी कि भाई मेरे को प्रियंका तो दिखाई नहीं थी, अगर मैं प्रियंका को काम बोलती ये वाला और वहां पर वो मना करती तो मैं उसकी बैंड बजाती। अभी मैं एज अ कैप्टन होने के नाते सब काम वो कर रही है, अभी मैं तुम्हें ये काम करने के लिए बोल रही हूं तो तुम अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर ही भड़कूंगी ना, और किसके ऊपर भड़कूंगी। ये बात जो है वहां पर प्रियंका अर्चना को कहती हुई नजर आई है। हालांकि अभी काफी सारे जो रिश्ते हैं वो बदल चुके हैं घर में, जिन रिश्तों के बारे में लगातार अपडेट जो है हम अपनी वीडियोस के जरिए आप तक देते रहेंगे। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।